हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्टाग्राम पे पूछा, लवी भाई हो गया, अरमान भाई हो गए, बहुत ज़्यादा लड़कों ने सेम क्वेश्चन पूछा है कि लॉकडाउन के दौरान, जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो उसके दौरान हम घर में ही एक्सरसाइज कर रहे हैं, तब भी हम मसल गेन कैसे करें और मसल लूज़ क्यों हो रहा है। ये इन्होंने दो क्वेश्चन पूछे हैं, मैं वन बाय वन दोनों के आंसर देता हूँ। मसल लूज़ इसलिए हो रहा है क्योंकि जो इक्विपमेंट्स, इतने ज़्यादा मशीन्स वगैरह, इतनी ज़्यादा डंबल्स की वेरिएशंस हमें जिम में मिलती हैं, वो हमें घर में नहीं मिल पाती। मैं चाहता हूँ कि अगर आप घर में भी अपनी, आपकी डेडिकेशन लेवल इतना हो कि आप घर में भी वो मसल हैं डिफरेंट एंगल से हिट कर पाएँ, मसल फाइबर एक्टिव कर पाएँ, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में हम नहीं कर पाते जिम में, क्योंकि ज़्यादा वेरिएशंस होती हैं, ज़्यादा मशीन्स होती हैं, ज़्यादा डंबल की वेरिएशंस होने के कारण और अलग अलग मशीन्स होने के कारण हम ज़्यादा जो है मसल हिट कर पाते हैं बढ़िया तरीके से, और मसल फाइबर जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव कर पाते हैं। इसलिए मसल जो है इतना एक्टिव ना होने कारण, जो घर में एक्सरसाइज करते हैं उसमें इतना एक्टिव नहीं हो पाता, मसल इतना हिट नहीं हो पाता, इसलिए जो है मसल लूज़ होने लग पड़ता है धीरे धीरे। दूसरा क्वेश्चन, जो घर में आप एक्सरसाइज लगा रहे हैं, आप बता रहे हैं कि पुशअप्स में इतने लगा रहा हूँ, पुलअप्स इतने लगा रहा हूँ डेली, तो यहाँ पे चीज़ आ जाती है कि रेपिटेशंस की, आप रेपिटेशंस ज़्यादा लगा पा रहे हैं, ठीक है, स्टैमिना बढ़ जाएगा आपका, पर जो मसल स्ट्रेंथ है वो हाइपरट्रॉफी के लिए हमें जो है वेरिएशंस चाहिए होती है, डंबल की जैसे वेट्स हैं उनकी ग्रेजुअल इंक्रीज करने से ही मसल बढ़ेगा। एक ही उसके एक ही जैसे पुशअप्स लगा रहे हैं आप ज़्यादा लगा पा रहे हैं, हाइपरट्रॉफी के लिए जैसे मैंने पहले ही बताया था कि रैप्स के साथ साथ हैवी वेट की भी ज़रूरत पड़ती है, रेपिटेशंस भी अपनी जगह उनका महत्व है, हाई रेपिटेशंस का भी और हैवी वेट का भी अपनी जगह महत्व है, मतलब लाइट का भी अपनी महत्व है, हैवी का भी, आपको दोनों चीज़ें चाहिए मसल ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पे जब मसल ग्रोथ की बात आ रही है तो आप पुशअप्स पुलअप्स हो गए मैक्सिमम रैप्स लगा पाते हैं, पर मसल ग्रोथ के लिए हमें दोनों चीज़ें चाहिए होती है, रेपिटेशंस भी और हैवी लिफ्ट भी। आप जब हैवी लिफ्ट करें तो कम रैप्स लगाएं और मसल डेफिनेशन के लिए आप ज़्यादा रैप लगाएं, जो कि घर में कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, ये सिंपल सी बात है। हालांकि कई लड़के कहेंगे नहीं हम घर में कर पा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया बात है अगर आप घर में कर पा रहे हो, पर जो नहीं कर पा रहे उनके लिए बता रहा हूँ। और उसके बाद जो एक और रीज़न आ जाता है कि आप मसल ग्रोथ क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि डेली एक एक्सरसाइज करना भी मसल ग्रोथ के लिए सही नहीं होता। हालांकि अगर आप उसको जस्ट फॉर स्टैमिना बढ़ाने के लिए कर रहे हैं तो बढ़िया चीज़ है कि डेली पुशअप्स लगाएं, डेली पुलअप्स लगाएं, ये सेम रूटीन के साथ आप करके अपना जो वर्कआउट समाप्त कर रहे हैं, पर अगर वो वेरिएशंस, वो रेस्ट पीरियड, सेम मसल को आप बार बार हिट कर रहे हैं, अगर मोस्टली देखा जाए जो मेन मसल हिट हो रहे हैं, अगर हम पुशअप्स की बात करें, हालांकि कोर भी हिट होती है, हमारा कोर एरिया भी हिट होता है, मोस्ट एरिया हिट होता है, पर जो मेन एरिया है वो ट्राइसेप चेस्ट, ठीक है, और थोड़ा शोल्डर पे भी इफेक्ट पड़ता है पर ट्राइसेप चेस्ट पे ज़्यादा इफेक्ट। तो आप सेम मसल्स को बार बार हिट कर रहे हो, जो कि हम जिम में जो है अलग अलग एक्सरसाइज करते हैं, हर डे का शेड्यूल होता है, आज आर्म्स बाइसेप लगाना है, आज शोल्डर लगाने हैं, आज ट्राइसेप लगाना है, चेस्ट लगाने हैं, आज लेग्स लगानी है, ये शेड्यूल होता है, जो कि हम एक दो तीन एक्सरसाइजेस मींस जो है पुलअप्स पुशअप्स स्क्वाट्स में जो हम घर में लगाते हैं या थोड़े डंबल्स के साथ, हम वो वेरिएशंस नहीं दे पाते, हम वो हैवी लिफ्ट नहीं कर पाते, हम वो एक्सरसाइजेस की वेरिएशंस नहीं ला पाते और रेस्ट पीरियड नहीं दे पाते बॉडी को, अपने उस मसल को जिसका हमने आज वर्कआउट किया उसको रेस्ट चाहिए। हालांकि जब आप घर में एक्सरसाइजेज लगा रहे हैं या पुशअप्स पुलअप्स में ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो रेपिटेशन वाली एक्सरसाइज है, हम ज़्यादा रैप्स लगा रहे हैं उसमें, ज़्यादा रैप्स लगा रहे हैं, वो ज़्यादा आपको स्टैमिना, आपका स्टैमिना पे ज़्यादा वो आपको बेनिफिट देगा, ठीक है, पर हाइपरट्रॉफी के लिए जो है वो मेन चीज़ें जो है मैंने आपको बता दी, तो वो चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है, हैवी लिफ्ट करना, साथ में डेफिनेशन के लिए ज़्यादा रेपिटेशन लगाना, रेस्ट पीरियड, मसल का रेस्ट पीरियड भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बार बार एक मसल को हिट नहीं करना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे तो मसल आप अगर ग्रो नहीं भी कर पाए लॉकडाउन में, अगर घर में एक्सरसाइज करके अगर आप मसल ग्रोथ नहीं भी दे पा रहे उसको, मसल को इतना ग्रो नहीं कर पा रहे, एटलीस्ट आप मेंटेन रख सकते हैं मसल को, अगर आप अलग अलग एक्सरसाइजेज अपने शेड्यूल में ला लें कि आज हमने चेस्ट की लगाई, आज हमने जो भी आपके पास इक्विपमेंट्स है घर में, जो भी आपके पास वेट्स है उसके साथ ही अपने, हालांकि वो सब चीज़ें करना थोड़ा मुश्किल है, पर आप कोशिश करें, वेरिएशंस दें, अलग अलग एक्सरसाइजेज लगाएं, ताकि अलग अलग मसल एरिया हिट हो, अलग अलग मसल फाइबर हिट हो।
ठीक है, बार बार एक ही मसल को हिट ना करें। हालांकि जो ये पुलअप्स, पुशअप्स और स्क्वाट्स हो गया, ये बेसिक एक्सरसाइज है, सबको लगानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लगानी चाहिए, वो चीज़ नहीं है। पर जब मसल की ग्रोथ की बात आती है तो उसकी स्टोरी जो होती है डिफरेंट होती है, उसका जो जो उसके पीछे उसका जो उसके वर्कआउट है वो अलग होता है, ठीक है। यही मैंने चीज़ समझानी थी, उसके पीछे जो साइंस है, उसके पीछे जो साइकोलॉजी है मसल ग्रोथ की, ठीक है, वो कुछ और चीज़ है। स्टेमिना के लिए ये चीज़ें बेहतर हैं, ठीक है। लव यू फ्रेंड्स, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। लव यू फ्रेंड्स, बाय।